आइए फ्रेंड्स आज कुछ सीखते हैं इंटरेस्टिंग चीज जो कि पैसे से रिलेटेड है। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं पैसे की हर किसी को जरूरत होती है, आपको भी जरूरत होगी। क्या आप जानते हैं इसको हम नए नए तरीकों से यूज करते हैं? हम मनी को बहुत सारे तरीकों से जानते हैं, बहुत सारे नामों से हम इसको जानते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स ये मनी कितने नामों से जानी जाती है। आइए देखते हैं, इलीगल ऑब्टेन्ड इन द नेम ऑफ सर्विस, मतलब जब हम गलत तरीके से यूज करते हैं, गलत तरीके के लिए हम पैसा देते हैं, किसी से गलत काम कराने के लिए पैसा देते हैं, हम उसको ब्राइब कहते हैं। वैसे ही नेक्स्ट है व्हेन यू ऑफर आफ्टर गुड सर्विस, इट इज कॉल्ड टिप। जब आप किसी को किसी की अच्छी सर्विस के लिए पैसा देते हैं आप उसको कहेंगे टिप। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या होटल में जाते हैं, वहां पर आप उसकी सर्विस से खुश होकर आप उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं, दैट इज कॉल्ड टिप। आगे देखते हैं, इन अ टेम्पल और चर्च, जब आप किसी चर्च में जाते हैं, किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, आप वहां पर दान देते हैं, उसको हम कहते हैं डोनेशन। इन अ टेम्पल और चर्च इट इज कॉल्ड डोनेशन। नेक्स्ट है व्हेन यू पे द गवर्नमेंट, जब आप सरकार को पैसा देते हैं तो आप उसको किस रूप में देते हैं? जो पैसा दिया जाता है सरकार को उसको हम टैक्स कहते हैं। फ्रेंड्स अगला देखते हैं, व्हेन यू ओ समवन मनी, जब आप किसी को पैसा देते हैं, उसका पैसा आपने लिया फिर उसके बाद में आप उसको वापस देते हैं, दैट इज डेट। ओके आगे देखते हैं, इन अ स्कूल यू पे, आप स्कूल में जाते हैं आप वहां पे पैसा देते हैं, आप पढ़ने का पैसा देते हैं, दैट इज कॉल्ड फी। ओके फ्रेंड्स आगे देखते हैं, व्हेन यू गिव इन अ मैरिज, जब आप शादी में पैसा देते हैं, मतलब जब हम लड़की की साइड से पैसा देते हैं या हम उसको और भी तरीके से उस पैसे को देने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड डोरी। ओके नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यू पे ड्यूरिंग डिवोर्स, जब आप तलाक के समय पर पैसा देते हैं हम उसको एलिमनी कहते हैं, एलिमनी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यू पे टू चिल्ड्रन इट इज कॉल्ड, जब आप बच्चों को देते हैं, डिवोर्स हो गया उसके बाद में हम बच्चों को देते हैं अलाउंस। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, when you have to give to kidnappers, जब किडनैपर्स आपसे मांग करते हैं पैसे की, उसको हम हिंदी में फिरौती कहते हैं। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स उसको हम इंग्लिश में कहेंगे रैंसम, रैंसम। जब कोई किसी को किडनैप कर लेता है और वो पैसे की मांग करता है तो उसको हम रैंसम कहते हैं, उस पैसे को हम रैंसम कहते हैं। फॉर सिविल सर्वेंट टू रिटायरीज, मतलब कोई सिविल सर्विस करता है और उसका टाइम पूरा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं रिटायरमेंट लेना, जब वो रिटायरमेंट ले लेता है तो उस पर्सन को हम कहते हैं रिटायरीज। तो ये जो रिटायरीज को मिलने वाला पैसा होता है गवर्नमेंट की ओर से या किसी इंस्टीट्यूशन की ओर से मिलने वाला जो पैसा होता है उसको हम कहते हैं पेंशन। नेक्स्ट है व्हेन यू बोरो फ्रॉम द बैंक, जब आप किसी बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो हम उसको लोन कहते हैं। एंड फ्रेंड्स लास्ट मैं बता दूं आपको, जब आप पर कोर्ट कोई चार्ज कर दे, व्हेन यू पे द कोर्ट, मतलब जब आप कोर्ट को पैसा देते हैं, कोई केस चल रहा है और कोर्ट आप पर पैसा पैसे की मांग करे क्योंकि आपको उसका हर्जाना देना होता है, उसको हम कहते हैं फाइन। फ्रेंड्स आज ये डिफरेंट नेम ऑफ द मनी, आपको कैसा लगा हमारा टॉपिक आज का? वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।